हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे अजीम शख्सियत जिन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में पूरी जिंदगी लगा दी। हिंदुस्तानी सिनेमा के नामवर, नामचीन, बेहतरीन हिदायतकार, फिल्म मेकर, उर्दू के मकबूल आदिल शायर, बेहतरीन इंसान और बहुत ही बेहतरीन डायलॉग राइटर, जब फिल्मों में कहानी लिखी तो कामयाबी का मेल खड़ा कर दिया। जब फिल्मों के डायलॉग लिखे तो मुगले आजम बन गई। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम मनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। कनीज तो कब की मर चुकी, अब जनाजे को रुखसत की इजाजत दीजिए। और फिल्मों में लिखे एक एक लफ्ज पाकीजा हो गए। और जब फिल्मों को डायरेक्ट किया तो दिले नादान की आरजू बन गए। पहले पर्दे पर साकार हुई रजिया सुल्तान। भारत के इतिहास की जो सबसे बड़ी फिल्में हैं वो ज़्यादातर कमाल अमरोही की ही देन है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। महल भारत की सबसे पहली हॉरर और सस्पेंस फिल्म है। उसके बाद आगे जाके भारत में सस्पेंस फिल्म की शुरुआत हुई। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की सबसे पहली हॉरर और सस्पेंस फिल्म की नींव रखने वाले कमाल अमरोही साहब थे। जब के आसिफ साहब मुगले आजम बना रहे थे तब उन्होंने सोचा कि ऐसी कलम की दरकार है जो इतिहास रच दे। तो फौरन के आसिफ साहब के जहन में कमाल अमरोही साहब की छवि नज़र आई। मुगले आजम जो इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है, सोचो इतने दमदार डायलॉग नहीं होते तो फिल्म कितनी कामयाब होती। हम कभी भी मुगले आजम के दमदार डायलॉग को भुला नहीं सकते। वो दमदार डायलॉग लिखने वाले और कोई नहीं बल्कि कमाल साहब थे। भला पाकीजा फिल्म को कौन भुला सकता है। सलीम और अनारकली के डायलॉग लिखने के बाद कमाल साहब ये साबित करना चाहते थे कि मीना कुमारी जी उनकी मंजू अनारकली यानी कि मधुबाला जी से भी ज्यादा खूबसूरत है। वो मीना कुमारी जी को प्यार से मंजू कहा करते थे। शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, कमाल साहब अपनी मंजू के लिए कुछ वैसा ही करना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो मीना कुमारी जी को लेकर भारत की सबसे शानदार फिल्म बनाएंगे। कमाल अमरोही साहब चाहते थे कि इस फिल्म में मीना कुमारी बतौर एक्टर भारतीय सिनेमा जगत में स्थापित हो जाए। कमाल अमरोही साहब के लिए फिल्म पाकीजा अपनी मोहब्बत मीना कुमारी के लिए उनके इश्क का एक नजराना थी, ताकि लोग उसे ताजमहल की तरह याद रखें। चाहे लोग कुछ भी कहे, इस फिल्म में कमाल अमरोही साहब ने ये जताने की कोशिश की है कि सिर्फ मीना कुमारी ही नहीं, वो भी मीना कुमारी जी के बहुत बड़े दीवाने हैं। पाकीजा फिल्म के डायलॉग भी कमाल अमरोही जी ने लिखे हैं। मीना कुमारी जी के लिए जो उनकी ख्वाहिशें थी, अरमां थे, मोहब्बत थी, वो पाकीजा फिल्म के डायलॉग में नजर आएंगे। आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हम सफर। कमाल अमरोही जी अपना काम बड़ी संजीदगी के साथ किया करते थे। वो अपने काम में परफेक्शन देखते थे। वो 10-20 नहीं 50 बार तक टेक ले लेते थे।
जब तक उनको परफेक्ट ना लगे तब तक वो सीन को ओके नहीं कहते थे, इसलिए उन्हें फिल्में पूरी करने में भी देरी लगती थी। बा अदब बा मुलायजा होशियार, ये डायलॉग भी उनका दिया हुआ एक नायाब तोहफा है। पहले फिल्मों में शहंशाह जब आए तो कोई डायलॉग बोला नहीं जाता था। फिल्मों में ये लाइन जैसे उन्होंने फिल्मों में एक ABCD दी, ऐसा हम कह सकते हैं। तब फिल्मों में राइटर को मुंशी कहा जाता था। कमाल साहब ने कहा मुंशी नहीं, ये नाम उन्होंने बदलकर स्टोरी राइटर रख दिया। कमाल का कमाल से कमाल अमरोही बनने का किस्सा भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। कमाल अमरोही जी का पूरा नाम सैयद आमिर हैदर कमाल नकवी था। वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा गांव से जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक बार उनके घर में शादी का माहौल था, वो बहुत शरारत कर रहे थे। उनकी शरारत से तंग होकर उनके बड़े भाई ने उनके गाल पर तमाचा जड़ दिया। वो जाकर क्यारी में गिर गए। सबके सामने उन्हें ये तमाचा गाल पे नहीं दिल पे लग गया। उन्हें इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि 3 दिन तक खाना नहीं खाया। रात को जब सब घर वाले सो रहे थे तो उन्होंने अमरोहा छोड़ दिया और लाहौर चले गए। वहाँ उन्होंने प्रिंसिपल दंपति की मदद से तालीम हासिल की, पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे, उर्दू के अखबारों में काम किया। वहीं से उन्होंने शायरी की शुरुआत की, उनके लिखे लेख और कहानी मैगजीन में छपने लगी। लाहौर में उनकी मुलाकात उस दौर के सुपरस्टार और गायक KR साइगल से हुई। KR साइगल जी ने उनकी काबिलियत को पहचाना, उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई बुलाया, तब के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोहरा मोदी से मिलवाया। उस वक्त सोहरा मोदी अच्छी कहानी की तलाश कर रहे थे। तब कमाल अमरोही जी की उम्र सिर्फ 19 साल ही थी। सोहरा मोदी उन्हें देखते ही रह गए। तब कमाल जी ने कहा कि मैं देखने की नहीं सुनने की चीज हूँ। कमाल अमरोही जी ने अपने पास जो अपनी लिखी हुई स्क्रीन प्ले थी वो सोहरा मोदी जी को पढ़ के सुनाई। सोहरा मोदी उनकी काबिलियत से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने कहा अम्मी हैदर आपने तो कमाल ही कर दिया, कल से आप मिनरवा स्टूडियो के राइटर होंगे। सोहरा मोदी के लिए उन्होंने फिल्म पुकार के लिए कहानी लिखी और फिल्म पुकार सुपरहिट साबित हुई। फिर तो कमाल साहब ने कमाल पिक्चर के नाम से फिल्म कंपनी खोली और फिल्म महल बनाई। कमाल अमरोही जी ने हमें पाकीजा, महल, रजिया सुल्तान, दायरा, मुगले आजम, पुकार, शाहजहां, दिल अपना और प्रीत पराई, जेलर, भरोसा, मजनून, शंकर हुसैन, जिंदगी और ख्वाब, फूल, मैं हारी, ऐसी शानदार फिल्में दी। जो पर्दे पे सामने दिखते हैं हीरो हीरोइन वो लोगों के आइडल होते हैं, और पर्दे के पीछे स्क्रीन के पीछे लोग क्या कर रहे हैं, फिल्म के लिए उनका क्या कमाल है, कैमरामैन, राइटर, डायरेक्टर और सारे पर्दे के पीछे वाले लोगों ने चाहे जितना भी कमाल किया हो वो हीरो नहीं कहलाए जा सकते। उन सब के काम का सारा क्रेडिट हीरो हीरोइन ही ले जाते हैं। कमाल अमरोही ऐसे फनकार थे जिन्होंने फिल्मों में गाने लिखे, डायलॉग लिखे, फिल्म की कहानी लिखी, फिल्मों को डायरेक्शन किया और फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। जैसा नाम कमाल वैसा ही कमाल करने वाले, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ऐसे ब्रिलियंट आदमी, उस तरह के आदमी का लोहा लेना, उनका सानी होना आम इंसान की बात नहीं। मैं ऐसी अजीम शख्सियत को सलाम करता हूँ। मैं सैयद जादा कासिम कादरी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला।